हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो था कि हम किसी चीज को वन कब कहते हैं, या नंबर हम कभी किसी को कब देते हैं कि ये वन है या टू है। उसका मैंने एक क्वेश्चन में नीचे बोला गया था कि कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब ये दोनों ही संभावनाएं हैं कि आप या तो आप उसका अनुमान न लगा पाए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आप तक वो बात न पहुंची हो। तो आई विल रिक्वेस्ट टू द ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड्स। सो आइए आज उसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से उसका आंसर है, उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसको समझने से पहले एक चीज तो ये है कि जो मैंने वन या टू या थ्री या हंड्रेड हम जो बोलते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि वो सारे के सारे बस क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप नंबर बोलते हैं, है ना, संख्या बोलते हैं कि ये एक संख्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि नंबर किसको बोलते हैं, व्हाट आर नंबर्स या व्हाट इज नंबर। तो अब नंबर जो होता है दोस्तों, उसको तीन सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नंबर एक ऐसा सिंबल है, ध्यान से समझिएगा, नंबर एक सिंबल है, मैथमेटिकल टर्म्स में एक सिंबल है, जिसको किसी वस्तु की वैल्यू वैल्यू को बताने के लिए, या फिर उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए, जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे तरीके से मेजर करने के लिए, या उसकी वैल्यू बताने के लिए, या ये बताने के लिए या वो कितना है, हाउ मच, कितना है कोई वैल्यू। इन तीन संदर्भों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसको बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नंबर। आई होप यहां तक आप बात समझ पाए होंगे। अब जो नंबर होता है, उस नंबर की कुछ खास बातें हैं। वो खास बातें क्या हैं कि एक जो नंबर होता है, वो कभी भी साइज के ऊपर या फिर किसी चीज की, जो हम बोलते हैं कि उसकी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नंबर जो है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज। और यूनिट्स, अब यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज को मापते हैं किलोमीटर में, किसी को सेंटीमीटर में, किसी को किलोग्राम में, तो ये उसकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। तो जो नंबर होता है वो नंबर ना तो कभी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरीके से मैं ये बात कह रहा हूं। और तीसरी बात और एक है कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, किस चीज को हम बोलेंगे। जब किसी चीज की, ध्यान से समझिएगा, जब किसी चीज की, कोई मैटर है या कोई वस्तु है, उस वस्तु की अगर वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी, वेल डिफाइंड बाउंड्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वेल डिफाइंड बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि उसकी सीमा होगी। जैसे कि देखिए, ये डस्टर है, ये डस्टर की एक क्या है, एक सीमा है, बाउंड्री बनी हुई है, तभी आप इस डस्टर को यह कह पाएंगे कि यह डस्टर एक है, दिस इज वन डस्टर। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आटे, आटा होता है आटा, उस आटे के, गुथे हुए आटे के आपके पास दो गोलियां हैं, ठीक। आप इसको टू या वन कैसे कह पा रहे हैं, समझिए बात को। आप इसको बोले कि ये एक है, एक इस वजह से कह पा रहे हैं क्योंकि जब किसी मैटर की बाउंड्री जो होती है वो डिफाइंड होती है कि ये बाउंड्री है इसकी,
और ये बाउंड्री किसी दूसरे के साथ में है, इसकी बाउंड्री इस दूसरे वाले के साथ में मिक्स नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसा बना दूं ऐसा, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये भी एक है और ये भी एक है, तो आप इसको टोटली ये बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक है। तो जब तक किसी चीज की, किसी मैटर की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, लिमिट्स होती है, तभी तक आप उसको क्या डिफाइन कर पाएंगे कि ये चीज वन है। अब अगर आपने आटे की गोलियां ली, इसकी एक बाउंड्री थी, इसकी भी एक बाउंड्री थी, तो आपने इसको भी बोला कि ये एक आटे की गोली है और इसको भी बोला कि ये भी एक आटे की गोली है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, ऐसे मिला दूं और फिर एक मतलब फिर उसको बनाऊं, तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों से मिला करके कुछ एक बड़े वाली क्या बन जाएगी गोली, तो अब कितनी बनी है, वन। क्यों बनी है वन, ये तो टू थी, तो अब वन के क्यों होगी, क्योंकि जब ये दोनों की अलग अलग बाउंड्री थी तब ये वन वन थी, लेकिन अब दोनों मिल गई, इनकी एक नई बाउंड्री बन गई है, तो आप ये कहोगे कि अब ये एक हो गई है, वन हो गई है। ठीक, अब आप एक अपने घर से एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, हर एक रूम्स की क्या होती है, एक अलग अलग बाउंड्री होती है, दीवारें बनी होती हैं, तभी आप ये कह पाते हो कि ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, ये चौथा रूम है, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे रूम्स हैं। अगर आप एक बीच में से किसी एक रूम की एक दीवार को हटा दें, तो आप उस टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि ये दो रूम्स है, आप उस टाइम पे बोलेंगे कि एक रूम्स है। तो किसी को नंबर तब दिया जाता है तब जब वो क्या होते हैं, उनकी एक वेल डिफाइंड क्या होती है, बाउंड्री होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा कमरा हो छोटा कमरा हो, इसे इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक है या दो है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई इतना बड़ा रूम है और एक बिल्कुल छोटा सा रूम है, तो आप इसको भी ये बोलोगे कि एक रूम है और इसको भी क्या बोलोगे, एक रूम है। तो ये नंबर्स के ऊपर क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से नंबर्स को कॉन्स्टेंट बोला जाता है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, जो है। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ये कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, छोटा हो या बड़ा हो। एक बड़ा हाथी हो छोटा हाथी हो, तो आप उसको भी वन एक हाथी बोलेंगे, और बड़ा होगा उसको भी एक ही बोलेंगे, तो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब किलोमीटर में अगर ऐसा लिखता हूं कि एक किलोमीटर, और मैं लिखता हूं एक सेंटीमीटर, तो देखो किलोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, इस यूनिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहां पर भी वन है और यहां पर भी क्या है, वन। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। वैल्यू कब डिपेंड करेगी, वैल्यू तब डिपेंड करेगी अलग अलग, जब उसकी बाद में क्या लगा दी जाएगी, यूनिट लगा दी जाएगी। अब एक नोट 100 रुपए का है, एक 10 रुपए का है, दोनों की वैल्यू अलग तब हुई है जब उनको ये बोला गया है कि ये 1000 का नोट है और ये बोला गया है कि ये 10 रुपए का नोट है। लेकिन नोट कितने हैं, एक एक। तो क्योंकि उन नोट्स की क्या है, एक एक बाउंड्री डिफाइंड है। तो वैल्यू में आप तब अंतर कर पाएंगे जब उसकी यूनिट लगा देंगे, लेकिन उसकी जब बाउंड्री की बात करेंगे, तो मैं जिस कंटेक्स्ट में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो है उसका कंटेक्स्ट बाउंड्री के केस में। कभी दो चीजों को क्या बोलेंगे, टू कैसे हैं, जैसे कि ये है और ये है, इन दोनों को आप ये बोल लें कि वन और वन ये हैं। तो मैं आपको कितनी चीजें दे रहा हूं, अगर मैं आपको ये दूं तो मैं कितनी चीजें दे रहा हूं, तो आप बोलोगे कि दो दे रहे हैं। दो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक ये है इसकी अलग बाउंड्री है, एक ही दे रहा हूं इसकी अलग बाउंड्री है, तो मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं। आपके पास दो पहले से थी, दो और आ रही हैं, तो आप बोलेंगे कि दो पहले थी दो और आ गई, तो मेरे पास चार चीजें हो गई, तो चार हो गई, तो यानी सम किया आप लोगों ने, 2 + 2 = 4, ऐसा कुछ होता है। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैंने आपको नंबर्स की डेफिनेशन भी बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा। आई स्पेशली रिक्वेस्ट यू कि आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बीच बीच में लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.